हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनिश सिंगला, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। देखिए फ्रेंड्स, मैं आपके लिए जो है लेटेस्ट नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ जो रेलवे का है। तो अभी फ़िलहाल इसके बारे में मैं ये नहीं कंफर्म हुआ था कि ये नोटिफिकेशन है जो ओरिजिनल है या डुप्लीकेट है, मतलब कि किसी के द्वारा एडिट किया गया या फेक है। जो भी न्यूज़ है इससे रिगार्डिंग मैं उसके लिए आपको डाउट है जो भी क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाला हर अपडेट है जो यहाँ पर मेरी वीडियो पर मिलता रहे। और ये भी जो भी नोटिफिकेशन आपको मिलेगा यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट होगा, कोई एडिटिंग वीडियो नहीं है आपको मिलेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको ज़्यादा टाइम न लेते, एक छोटा सा नोटिफिकेशन है जो रेलवे मिनिस्ट्री से आया है NTPC रिगार्डिंग या जूनियर इंजीनियर के रिगार्डिंग है, वो हम देखते हैं कि क्या कह रहे हैं इसके अंदर। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर ये नोटिफिकेशन जो वायरल हो रहा है आज के टाइम में, कल वायरल हुआ था ये। तो इसके अंदर लिखा हुआ है कि जूनियर इंजीनियरिंग का जो एग्ज़ाम IT रिपोर्ट मटेरियल एड EMS है, केमिकल मेट्रोलॉजिकल असिस्टेंट है, तो उसके एग्ज़ाम की डेट के रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंदर बताया गया है कि फर्स्ट स्टेज CBT जो होगा वो आपका कंडक्ट होगा 27 अप्रैल को, यानी नहीं सॉरी फ्रेंड्स, 27 मई को, 27 मई को जो है कंडक्ट होगा। और उसके बाद जो एक्टिवेशन लिंक जो दिया गया है वो 12 को दिया गया है, और आपको जो एग्ज़ाम सिटी के बारे में पता लगेगा वो 17 तारीख को मिल जाएगा। और इसमें आगे दिया गया था कि डाउनलोड इको लेटर आपको डाउनलोड करना है, जो 4 डेज बिफोर आप डाउनलोड कर सकते हैं एग्ज़ाम से। उसके बाद जो यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी यहाँ पे सही एक्यूरेट दी गया है कि 90 मिनट का टाइम होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे। तो इसके अलावा यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, और कुछ भी नहीं दिया गया है, नेगेटिव मार्किंग के बारे में बता दिया गया है, लेकिन ये किसी भी वेबसाइट पर आपको नहीं मिलेगा नोटिफिकेशन, जो है किसी भी वेबसाइट पर नहीं है। तो इसका जो है हम आइडिया कैसे लगा सकते हैं कि ये फेल, ये मतलब एडिटेड है या ट्रू है, वो मैं आपको बताता हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पर सिर्फ जो है एक एग्ज़ाम की डेट दी गई है कि कमेंसमेंट, और जो फर्स्ट स्टेज CBT होगा वो 27 को होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, लगभग 10 लाख तो एक जोन में ही आपको मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप मिनिमम एवरेज लेकर चले तो 5 लाख तो हर एक जोन के अंदर होंगे ही होंगे कैंडिडेट। और आप चंडीगढ़ और जयपुर की बात करें तो यहाँ पर तो 10 लाख क्रॉस कर जाते हैं कैंडिडेट, लगभग टोटल ऑल राउंड मेरे ख्याल से 1.5 करोड़ के अराउंड कैंडिडेट होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही डेट में सभी कैंडिडेट का आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है जो कनेक्ट कर सकें। तो इसीलिए यहाँ से तो अंदाज़ा लगा सकता है कि ये किसी ने वायरल किया है फेक न्यूज़ को। तो आई थिंक ये फेक होगा नोटिफिकेशन। तो और ये किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर, किसी की भी आप रेलवे जोन में चले जाइए, वहाँ पर कहीं भी इसका नोट जिक्र नहीं मिलेगा आपको। मैंने सभी वेबसाइट हैं जो चेक कर ली हैं, तभी मैंने ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं यही चेक कर रहा था कि ये नोटिफिकेशन ओरिजिनल है या डुप्लीकेट। तो ये आई थिंक डुप्लीकेट ही होगा, क्योंकि किसी भी ऑफिशियल साइट पर नहीं है। और सेकेंड वन क्या है कि आप इसके नोटिफिकेशन पर मत जाइएगा, लेकिन आपको तैयारी इसी अकॉर्डिंग करनी होगी, क्योंकि मई या जून में तो एग्ज़ाम होना ही है, ये हमको पता ही है, पहले से गिवन था ये कि मई और जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। तो आप एक तरह सा वैसे इसको सीरियस मत लीजिएगा, लेकिन अगर आपको स्टडी बेटर करनी है तो आप इसको टारगेट करके इसके अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर कर सकते हैं कि आपकी इससे पहले पहले प्रिपेयर हो जाए, क्योंकि मई या जून के स्टार्टिंग में तो एग्ज़ाम, मई के एंड में या जून की स्टार्टिंग में तो एग्ज़ाम होगा ही, अगर ये डेट ना हुई तो जून में एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि आपका मई के एंड तक कंप्लीट सिलेबस और रिवाइज जो भी होना है वो हो जाए। ओके फ्रेंड, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।